हर हफ्ते की तरह हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते में अलग अलग चैनलों पर हुई डिबेट में किन मुद्दों को तवज्जो दी गई। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के शो की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा की। पहला, किसान आंदोलन के खिलाफ सोची समझी साजिश। दूसरा, 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन को लेकर सवाल। तीसरा, क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई। चौथा, पुलिस की खुफिया नाकामी या किसानों के आगे पुलिस कम पड़ गई। पांचवा, एक ही दिन दिल्ली में दो परेड। रवीश अक्सर अपने डिबेट के जरिए कई अलग अलग मुद्दों पर जानकारी देते दिखाई देते हैं। इस बार उन्होंने किसान आंदोलन और दिल्ली की हिंसा का मुद्दा उठाया। रवीश ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठाए। तो 35,000 ट्रैक्टर और 2,00,000 किसान, यह भी कोई अंतिम संख्या नहीं होगी क्योंकि 26 जनवरी तक किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आना जारी रहा। अब सवाल है कि ट्रैक्टर पहले भी बैरिकेड तोड़ चुके थे दिल्ली आने के रास्ते में, तो गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर के जरिए क्या क्या हो सकता था इसका भी अंदाजा होना चाहिए था। तब पुलिस ने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की? एक संगठन अलग रूट पर जाने का ऐलान कर चुका था तब भी। परेड शुरू होने से पहले सवाल तो यह भी उठ रहा है कि 10 बजे के पहले रूट क्यों खोला गया? क्या खोला गया या तोड़ दिया गया? फिर बाकी किसान कैसे उसी रूट पर चलते रहे जो पहले से तय था? किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू और सवर्ण सिंह पंधेर दोनों कह रहे हैं कि वे अलग रूट पर गए, लेकिन लाल किले तक जाने की उनकी योजना नहीं थी। दीप सिद्धू किसानों को लेकर लाल किले गया, वो नहीं गए। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, ट्रैक्टर परेड कहीं रिंग रोड को राजपथ में न बदल दे। दूसरा, गणतंत्र दिवस के बाद संसद घेरने की तैयारी। तीसरा, लाल किले पर झंडा फहराने के मायने। चौथा, किसान आंदोलन की असल परीक्षा अब। पांचवा, किसान एकता देख क्यों सरकार में बढ़ गई है बेचैनी। पुणे प्रसून वाजपेयी ने भी किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर भी टिप्पणी की और अपने वीडियो के जरिए सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। वह कौन सी इस देश की परिस्थिति थी जिसमें पहली बार गणतंत्र के दिन ही, यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही याद संविधान को भी किया गया, और संविधान इस दौर में किस तरीके से राजनीतिक सत्ता के जरिए मटिया मेट होता चला जा रहा है, यह भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिन तीन कानूनों का जिक्र होता है तो यहां पर जब बात किसी से भी कीजिए वो इस बात का जिक्र करता है, पार्लियामेंट के भीतर भी वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से पास कर दिया गया। विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र कर रहा था, स्टैंडिंग कमेटी के पास कानून नहीं भेजा गया, राज्यों से सलाह मशविरा नहीं किया गया, फिर भी ये कानून की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। हमें लगता है कि आज आपको कुछ ऐसे पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्या वाकई इस देश के भीतर में संविधान को ही ताक पर रखा जा चुका है। क्योंकि भारत के संविधान के भीतर में हर वो चीज दर्ज है जिस चीजों को मौजूदा वक्त में खत्म किया गया। अब बात करते हैं उस मीडिया की जो सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त है। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, आंदोलन की आड़, वर्दी पर क्यों वार, आंदोलन एक प्रयोग। दूसरा, लाल किले का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, किसानों का झंडा दंगाई एजेंडा। तीसरा, तलवारबाजी पत्थरबाजी पुलिस पर हमला, आंदोलन नहीं अराजकता। चौथा, कृषि सुधार पर तकरार, पेच बरकरार। पांचवा, बंगाल में गलेगी किसकी सियासी दाल, बंगाल की लड़ाई मायावाद पे आई। अमीश अक्सर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा उठाया और गणतंत्र दिवस की हिंसा को लेकर वे सवाल किससे कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। आज सबसे पहले मैं ये दो टूक संदेश दे रहा हूँ जिन लोगों ने भी भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रची है, देश का मान और सम्मान को रौंदने की शर्मनाक कोशिश की है, प्रयास किया है, वो कान खोल कर सुन ले कि वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब एक एक करके हर परत खुल रही है, सबके चेहरे बेनकाब होने शुरू हो चुके हैं। जिन किसान नेताओं के लिए कल तक जिंदाबाद के नारे लगते थे, आज आम लोग उनका पुतला जला रहे हैं। और इसी बीच आंदोलन में जुटे नेताओं के बीच भी दरार पड़ चुकी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रमुख वीएम सिंह ने कहा कि बक्कल उतार देने की धमकी देने वाले किसान नेता हो ही नहीं सकते, इसलिए मेरा संगठन इस आंदोलन से अलग हट रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने भी आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है।
लेकिन सवाल उन चेहरों को बेनकाब करने का है जो किसानों को भड़का रहे थे, उनको उकसा रहे थे। इसलिए आज मैं पूरी रिसर्च और तथ्यों के साथ तैयार हूँ। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, कैसे आंदोलनकारी वर्सेस लोकल में छिड़ी लड़ाई। दूसरा, आरोप भारी, फुल एक्शन की तैयारी। तीसरा, किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में दहशत फैलाने का षड्यंत्र किसका। चौथा, किसानों की ट्रैक्टर वाली हंगामेदारी झांकी के क्या मतलब। पांचवा, राम नाम पर हुई ओवैसी की एंट्री। दीपक चौरसिया ने भी किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे की बात की और देखते हैं कि वे इस मुद्दे पर किसको दोषी ठहरा रहे हैं। 26 जनवरी को जिस तरह से हमारे गणतंत्र के मूल्यों को कुचला गया, उसमें कई सवालों का जवाब का अभी भी इंतजार है। जिन शर्तों के साथ किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च की हामी भरी थी, वो दावे हिंसा में स्वाहा हो गए। आंदोलन के नाम पर ऐसा तूफान उठा जिसमें गहरी साजिश की आशंका जताई जाने लगी। दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 FIR दर्ज की और 37 किसान नेताओं पर केस दर्ज किया है। आज हम देश की बहस में वो सबूत और तथ्य, फिर से कह रहा हूँ, वो सबूत और तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे किसान नेताओं की जवाबदेही बनती है। वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें ट्रैक्टर मार्च से पहले भड़काऊ एजेंडा चलाया जा रहा था। कोई 26 जनवरी को फाइनल मैच करार दे रहा था तो कोई लाल किले से हुकार भरने का दम भर रहा था। आज देश की बहस में दिखाई जाएंगे एक एक सबूत कि किसने भड़काया, किसको भड़काया, कैसे भड़काया, किन बयानों से भड़काया। लेकिन उससे पहले देखिए आज की रिपोर्ट। असल मीडिया और गोदी मीडिया में फर्क हम आपको दिखाते रहेंगे। अब इन दोनों में से आपको किसको चुनना है, इसका चुनाव आपको करना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।